धरती पर परियों की सतरंगी होली। बहुत समय पहले की बात है, नीलमपुर गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी माँ वैशाली और अपनी छोटी बहन विद्या के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुमन के पिता की कुछ साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसी वजह से वैशाली अपना घर चलाने के लिए गांव के बड़े घरों में साफ सफाई करने का काम किया करती है। लेकिन दिन रात काम करने के बाद भी वैशाली को सिर्फ कुछ ही पैसे मिला करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी और इन सब चीजों से परेशान होकर वैशाली अक्सर बीमार रहा करती थी, जिस वजह से वो अपने काम पर नहीं जा पा रही थी। तभी एक दिन सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ आपकी तबीयत में तो कोई सुधार ही नहीं आया है, इसलिए आप कल भी काम पर मत जाइएगा। लेकिन बेटी ऐसा कब तक चलेगा, तुझे तो पता है ना हमारे घर की क्या हालत है, और अगर मैं ऐसे ही रोज घर पर बैठी रही तो हमारे घर पर खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे कल काम पर जाना ही होगा। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन उससे पहले आप दवाई खाइए, वरना आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी। और ऐसे ही अगली सुबह जब सुमन उठती है तो वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए वो कहती है, माँ आपकी तबीयत तो पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है, इसलिए आप चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल, वरना आपकी तबीयत दिन पर दिन ऐसे ही बिगड़ती जाएगी। नहीं बेटी, हम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके, इसलिए तो ये सब छोड़ और जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना ला, शायद कुछ खाऊंगी तो शरीर में जान आ जाएगी। ठीक है माँ। इतना कहकर सुमन जब खाना बनाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं होता है। उसी समय सुमन कहती है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब मैं माँ के लिए खाना कैसे बनाऊंगी, और अगर ऐसी ही हालत में उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसी समय वहाँ पर सुमन की छोटी बहन विद्या आती है और वो कहती है, दीदी मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दीजिए ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कल रात से ही हमने कुछ नहीं खाया है। विद्या तुम थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मैं खाने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगी। इतना कहकर सुमन अपने पड़ोस वाले घर से थोड़ा सा आटा मांग कर ले आती है और फिर वो उसी आटे से रोटी बनाकर अपनी माँ और बहन को खिला देती है, जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। लेकिन फिर भी वैशाली की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता है और देखते ही देखते होली का त्योहार भी आने वाला होता है। तभी होली के एक दिन पहले वैशाली कहती है, हे भगवान कल तो होली का त्योहार है लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब मेरी दोनों बच्चियां होली का त्योहार कैसे मनाएंगी, ना तो मैं उनके लिए होली वाले दिन कोई पकवान बना सकती हूँ। ऐसा करती हूँ कल मालकिन के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांग लाती हूँ, जिससे मेरी दोनों बच्चियां होली का त्योहार खुशी से मना पाएंगी। ऐसे ही होली के त्योहार वाले दिन वैशाली सुबह सुबह अपनी मालकिन के घर जाती है, जहाँ उसकी मालकिन उसे देखती ही गुस्से में उससे कहती है, अरे क्या बात है, आज तू सुबह सुबह यहाँ क्या करने आई है, वैसे तो तू इतने देर से गायब थी और मुझे कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे माफ कर देना मालकिन, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं काम पर नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से मेरे घर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और आज होली का त्योहार भी है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आई हूँ, जिससे मेरी दोनों बच्चियाँ भी होली का त्योहार दूसरे बच्चों की तरह हंसी खुशी मना पाए, इसलिए मालकिन मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अच्छा तो ये बात है, इतने दिन से तुझे काम पर नहीं आया जा रहा था लेकिन आज पैसे मांगने की बारी आई तो तू फटाफट से आ गई, तुझे क्या लगता है तेरे इन बहानों को सुनकर मैं तुझे पैसे दे दूंगी, नहीं मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझी, चल अब जा यहाँ से। और हाँ अब तुझे दोबारा काम पर आने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने घर के लिए दूसरी नौकरानी रख ली है। अपनी मालकिन की ऐसी बात सुनकर वैशाली को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से दुखी होकर वापस घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसकी नजर होली खेलते हुए बच्चों पर पड़ती है, जिसे देखकर वैशाली मन ही मन सोचती है कि जहाँ ये बच्चे होली का त्योहार हंसी खुशी मना रहे होते हैं, वहीं उसकी दोनों बेटियाँ होली वाले दिन घर में भूखी बैठी होती है। ये सोचकर वैशाली दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी सुमन उससे कहती है,
माँ आप इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? आपको पता है ना अभी आपकी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं हुई है। हाँ बेटी मुझे पता है, लेकिन वैशाली इतना कह ही रही होती है कि तभी बाहर से विद्या रोती हुई घर के अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आज होली का त्योहार है लेकिन आपने ना तो मुझे पिचकारी दिलाई और ना ही रंग। आपको पता है बाहर सभी बच्चे मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए माँ मुझे भी एक पिचकारी और रंग चाहिए। विद्या मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है ना कि हम लोग दूसरे बच्चों की तरह होली का त्योहार नहीं मना सकते हैं, तो फिर तुम माँ से बार बार चित क्यों कर रही हो? कोई बात नहीं सुमन, विद्या तो अभी बच्ची है तो उसे दूसरे बच्चों की तरह इन सब चीजों का शौक होगा ही ना, लेकिन मैं एक माँ होकर भी अपनी बच्ची की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती हूँ। माँ आप ऐसा मत कहिए, आपने हमें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दी है और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से उनके घर में 7 रंगों की परियां प्रकट हो जाती है जिन्होंने अलग अलग रंगों की फ्रॉक पहन रखी होती है, और ये देखकर वो तीनों ही माँ बेटी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय वैशाली कहती है, अरे आप लोग कौन हो और ये मेरे घर में कैसे आ गई? माँ मुझे तो ये 7 रंगों की 7 रंगी परियां लग रही है, मैंने एक बार बगल वाली मेघना की किताब में इनके बारे में पढ़ा था। सुमन की ये बात सुनकर वो सारी परियां मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद ऑरेंज परी कहती है, सुमन तुमने बिल्कुल सही कहा, हम 7 रंगों से बनी हुई 7 रंगी परियां हैं। दरअसल हम लोग आज के दिन लाचार और दुखी लोगों की मदद करने के लिए धरती लोक पर आते हैं, इसलिए जब हम यहाँ आए तो हमारी नज़र सबसे पहले तुम्हारे परिवार पर पड़ी जो होली के दिन भी इतना ज्यादा उदास और परेशान नजर आ रहा था। इसलिए जब हमने तुम्हारे परिवार के बारे में पता लगाया तो हमें बहुत बुरा लगा, इसलिए आज हम 7 परियां तुम्हारे परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने आई हैं। तो बताओ क्या तुम हमारे साथ होली का त्योहार मनाना चाहोगी? हाँ मैं आप लोगों के साथ इस बार होली पर 7 रंगी होली जरूर खेलूंगी क्योंकि मुझे होली का त्योहार बहुत पसंद है। इतना सुनकर वो सारी परियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो सुमन के परिवार के साथ हंसी खुशी होली का त्योहार मनाती है, और वो सारी परियां अपने अपने रंगों के हिसाब से वहां पर अलग अलग तरह के रंग इकट्ठा कर देती है। और ऐसे ही कुछ देर होली खेलने के बाद जब वो परियां वापस जाने लगती है तभी वैशाली हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करती है। उसी समय पर्पल परी कहती है, इसमें धन्यवाद करने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था, और आज से तुम लोगों की जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम लोगों की जिंदगी भी इन रंगों की तरह खूबसूरत हो जाएगी। इतना कहकर पर्पल परी सुमन की माँ को एक जादुई सोने की पिचकारी देती है और कहती है, ये लो ये जादुई सोने की पिचकारी है, तुम लोग इसे जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और फिर तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी दे पाओगी। इतना कहकर वो 7 परियां वहां से गायब हो जाती है, और उस दिन के बाद से सुमन के परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है। और उस जादुई सोने की पिचकारी की मदद से वैशाली अपने घर की सारी जरूरतों को पूरा कर लेती है और फिर अपनी दोनों बच्चियों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। और इस तरह होली वाले दिन से उन तीनों माँ बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। जादूगरनी हेमा का जादुई तेल। एक समय की बात है, स्वर्ग परिलोक में रानी परी सोनाली राज किया करती थी, और एक दिन उन्होंने एक सुंदर सी परी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने नायरा रखा, क्योंकि नायरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और नीली आंखों वाली परी थी, और उसके सर पर बहुत ही खूबसूरत सुनहरे बाल थे जिसकी वजह से वो परीलोक की सबसे सुंदर परी के रूप में जानी जाती थी। और इसी वजह से सोनाली परी को अपनी बेटी नायरा परी की खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, और इसलिए वो अपने परीलोक में एक शाही पार्टी का आयोजन करती है जिसमें वो सिर्फ परीलोक की ही सारी परियों को इनवाइट करती है। और ऐसे ही पार्टी खत्म होने के अगले दिन गांव में रह रही सारी जादूगरनियां सोनाली परी के पास आती हैं। तभी जादूगरनी हेमा कहती है, सोनाली परी
आपने हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? आपने कल की पार्टी में हम लोगों को क्यों नहीं इनवाइट किया? ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे हमने हमेशा आपके परिलोक की मदद की है, यहाँ तक कि आपको परिलोक की रानी भी हम ही लोगों ने बनाया है। और जब कल पूरा परिलोक खुशियाँ मना रहा था तो आप लोगों ने हमें इसमें शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा? क्या हम लोग इस परिलोक का हिस्सा नहीं है? और अगर आप हमें इस परिलोक का हिस्सा नहीं मानती तो फिर ठीक है, हम इसी वक्त परिलोक से अपने सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये श्राप देती हूँ कि जिस बेटी के सुनहरे बालों और खूबसूरती के ऊपर आपको इतना गुमान है ना, तो देखना उसके सारे सुनहरे बाल झड़ जाएंगे और वो बिल्कुल बदसूरत दिखने लगेगी। जादूगरनी हेमा के इतना कहते ही बाकी की सारी जादूगरनियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसी समय सोनाली परी गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, खबरदार जो किसी ने एक शब्द और मेरी बेटी के बारे में बोला। अरे तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है तुम लोग अपने जादू से कुछ भी कर सकती हो, किसी की भी खूबसूरती को छीन सकती हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम लोग। सोनाली परी की ये बात सुनकर हेमा जादूगरनी और सभी जादूगरनियों को बहुत बुरा लगता है और वो लोग हमेशा के लिए परीलोक छोड़कर धरती लोक पर वापस आ जाते हैं। लेकिन उन लोगों का दिया हुआ श्राप परीलोक की सारी खुशियों को छीन लेता है, क्योंकि नायरा परी के सर के सारे सुनहरे बाल झड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने लगती है। और अपनी बेटी की ये हालत देखकर सोनाली परी को बहुत ज्यादा दुख होता है और उन्हें अपनी बेटी के आने वाले भविष्य की चिंता होने लगती है। लेकिन वहीं परीलोक में नैना नाम की एक बहुत ही सुंदर परी भी रहा करती थी, जो हमेशा परीलोक में सबकी मदद किया करती थी। लेकिन एक दिन जब नैना परी परीलोक के बगीचे में टहल रही होती है तो वो देखती है कि परीलोक की कुछ बदमाश परियां नायरा परी का मजाक उड़ा रही होती है। उसी समय वो कहती है, अरे तुम लोग इस तरह किसी का मजाक कैसे उड़ा सकती हो? तुम्हें किसी की कमियों का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, इसलिए तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए, समझी? इसलिए अब तुम लोग जाओ यहाँ से। नैना परी की ये बात सुनकर सारी परियां वहां से सर झुकाए चली जाती है। उसके बाद नैना परी नायरा परी से कहती है, तुम कौन हो? मैंने आज तक तो तुम्हें परीलोक में कभी नहीं देखा। मेरा नाम नायरा है और मैं इस परीलोक की रानी सोनाली परी की बेटी हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम नैना है और मैं भी परीलोक का ही एक हिस्सा हूँ, लेकिन तुम्हारे सर के सारे बाल कैसे झड़ गए? नैना परी की ये बात सुनकर नायरा परी दुखी मन से कहती है, मुझे नहीं पता, शायद मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, इसलिए तो परीलोक की सारी परियां मेरा मजाक उड़ाती है। नायरा परी की ये बात सुनकर नैना परी कहती है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिससे तुम बचपन से ही ऐसी हो? चलो कोई बात नहीं, मैं रानी परी सोनाली से ही पूछ लूंगी। इतना कहकर नैना परी सोनाली परी के पास जाती है और उनसे पूछती है, रानी परी आखिर नायरा परी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी आज ये हालत है? उसी समय सोनाली परी नैना परी को जादूगरनी हेमा के दिए हुए श्राप के बारे में बताती है और कहती है, और उसी दिन से मेरी बेटी नायरा के सर के सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम ये बताओ तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं नायरा परी की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए आप ये बताइए कि आपने कभी भी उन जादूगरनियों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसी बात नहीं है, मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ चली गई। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए रानी परी, अब उन जादूगरनियों को मैं ढूंढ कर लाऊंगी। और उस दिन से नैना परी उन जादूगरनियों को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और कई दिनों तक वो धरती लोक पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसे वो जादूगरनियां कहीं नहीं मिलती। कि तभी एक दिन नैना परी हमेशा की तरह उन जादूगरनियों की तलाश में निकल पड़ती है। उसी समय उसे पहाड़ियों के पास बहुत सारे पक्षियों का झुंड दिखाई देता है और नैना परी उन पक्षियों से पूछने की कोशिश करती है, सुनो प्यारे पक्षियों, क्या तुम लोगों ने यहाँ किसी जादूगरनियों को देखा है? उसी समय उन पक्षियों में से एक पक्षी बोलती है, हाँ प्यारी परी, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक छोटा सा गांव है जहाँ पर बहुत सारी जादूगरनियां रहती हैं। इतना सुनकर नैना परी फटाफट से पहाड़ी के दूसरी तरफ बसे हुए गांव में जाती है, जहां उसे जादूगरनियों का बसा हुआ एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। उसी समय नैना परी एक जादूगरनी से पूछती है, सुनिए, क्या आप मुझे हेमा जादूगरनी का घर बता सकती हैं?
हाँ, तुम यहाँ से सीधा जाकर दाएं मुड़ जाना, वहीं पर हेमा जादूगरनी का घर है। इतना सुनकर नैना परी जादूगरनी का धन्यवाद करके उसके बताए हुए रास्ते पर जाती है। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है और वो उस झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर कहती है, क्या घर में कोई है? दरवाजा खोलिए। उसी समय जादूगरनी हेमा दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? उसी समय नैना परी जादूगरनी हेमा को सारी बातें बता देती है। तभी जादूगरनी हेमा कहती है, अच्छा तो तुम्हें रानी परी सोनाली ने भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो वो श्राप सिर्फ उस दिन गुस्से में दे दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ये श्राप उस नन्ही सी बच्ची की जिंदगी खराब कर देगा, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी हेमा अपने हाथ में एक जादुई तेल लेकर आती है और कहती है, ये लो परी, ये एक जादुई तेल है, तुम इसे ले जाकर नायरा परी के सर पर लगा देना, जिससे उनके सर पर फिर से सुनहरे लंबे घने बाल आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी हेमा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नैना परी फिर से परीलोक में वापस आ जाती है और वापस आते ही वो नायरा परी के सर पर वो जादुई तेल लगाती है और उसके ऐसा करते ही नायरा परी के सर पर फिर से लंबे घने सुनहरे बाल आ जाते हैं और वो फिर से पहले की तरह खूबसूरत दिखने लगती है। और ये देखकर सोनाली परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनके साथ साथ पूरा परीलोक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वो नैना परी से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नैना परी, आज तुम्हारी वजह से नायरा परी की खूबसूरती फिर से लौट आई है। अरे रानी परी, इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परीलोक के सभी परियों की मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। और इसी तरह उस दिन के बाद से नायरा परी फिर से एक बार परीलोक की सबसे खूबसूरत परी में से एक कहलाती है और वो सभी परियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। ठंड में गरीब तीन बहुओं का बस का घर। ओहो माँ जी, आज तो कितनी ठंड हो रही है, मेरे तो पूरे हाथ ही जम गए हैं। अरे बहू, तुम लोग तो फिर भी घर के अंदर हो, लेकिन तब भी तुम लोगों को इतनी ठंड लग रही है, तो सोचो तुम्हारा पतियों का क्या हाल हो रहा होगा जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। सही कहा माँ जी आपने, आपके बेटे बहुत हिम्मत वाले हैं जो इतनी ठंड में भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। शांति अपनी बहू के साथ घर में बैठे ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे मुंह लटकाए घर में वापस आते हैं। उसी समय शांति उनसे कहती है, अरे क्या बात है बेटा, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी घर आ गए, काम खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, आज काम नहीं, आज तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ हमें माफ कर दो, वो दरअसल हम लोगों ने 3-4 महीने से घर का किराया नहीं दिया था, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो घर के खर्चे में ही निकल जाता था, इसलिए आज घर का मकान मालिक हमारे पास आया था और वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने शाम तक उसे सारे पैसे नहीं दिए तो वो हम लोगों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। क्या? अरे वो ऐसा कैसे कह सकता है? अब भला शाम तक हम इतने सारे पैसे कैसे चुका पाएंगे? तुम लोगों ने उससे कुछ दिन की मोहलत क्यों नहीं मांगी? माँ हमने उसके सामने कितने हाथ पैर जोड़े, कितनी विनती की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और उल्टा हमारी आज की मजदूरी के सारे पैसे भी लेकर चला गया। शांति अपने बेटों की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उतने में ही दरवाजे पर उनका मकान मालिक सुरेश आ जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं किया क्या? लगता है तुम लोगों को यहाँ से धक्के मारकर निकालना ही पड़ेगा। अरे अरे भाई साहब, हम गरीबों पर जरा सी तो दया खाइए, हम लोग इतने ठंड में कहाँ जाएंगे, हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। अरे मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है, जाओ जाकर मरो कहीं, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ। अरे आप इस तरह से मेरी माँ से बात नहीं कर सकते। अच्छा अब तू 2 कोड़ी का मजदूर मुझे बताएगा कि मुझे किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। अरे बेटा चुप हो जा, ऐसे इंसान से मुंह लगकर कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर शांति अपने तीनों बहू बेटों को लेकर रात की कड़ी ठंड में बाहर निकल पड़ती है, लेकिन ठंड ज्यादा होने की वजह से उन लोगों का शरीर कांप रहा होता है। उसी समय उसकी छोटी बहू कहती है, जी लीजिए माँ जी, आप मेरी शॉल ओढ़ लीजिए, बहुत ठंड है, अगर आपको ठंड लग गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। शुक्रिया बहू, लेकिन तू क्या ओढ़ेगी? माँ जी आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ।
इतना कहकर फिर से शांति अपने परिवार को लेकर आगे चलने लगती है। तभी वो लोग चलते चलते जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं। सुनो बेटा, यहाँ तो हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। चलो कुछ देर यहीं पेड़ों के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, पता नहीं सुबह फिर क्या होगा। इतना कहकर शांति और उसके बहू बेटे पेड़ों के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ठंड की वजह से पेड़ों के पत्तियों के ऊपर से ओस की बूंदें नीचे गिर रही होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। अरे माँ जी, अगर हम ज्यादा देर तक इस पेड़ के नीचे बैठे रहे तो हम लोग सुबह तक बीमार पड़ सकते हैं। चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। हाँ माँ, वैसे भी इस घने जंगल में इस तरह से रात में रुकना सही नहीं है। उसी समय शांति की बड़ी बहू को कहीं से बस के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये तो बस की आवाज़ लग रही है, इसका मतलब यहाँ आसपास कहीं कोई बस स्टैंड है। चलिए माँ जी, हम वहीं पर चलते हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ ऐसे फुटपाथ पर रहने से अच्छा तो हम लोग बस स्टैंड पर जाकर रहे। इतना सुनकर सभी लोग मिलकर बस स्टैंड ढूंढने लगते हैं और कुछ ही देर बाद उन सबको वो बस स्टैंड मिल जाता है। अरे माँ जी, ये बस स्टैंड तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, और ये देखिए ये बस तो कितनी पुरानी और खाली पड़ी हुई है, हम इसके अंदर अपनी रात गुजार सकते हैं। सही कहा बहू, कम से कम इसके अंदर हमें ठंड तो नहीं लगेगी। इतना कहकर शांति का पूरा परिवार बस के अंदर घुस जाता है और बस की एक एक सीटों पर जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं, माँ जी मैं सोच रही थी कि हम लोगों को मिलकर कुछ काम ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे समय पर मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम लोगों की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है बहू, तुम लोगों के साथ मैं भी कुछ काम कर लूंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ, हमारे होते हुए आप काम करोगी? अरे बेटा, इस समय हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, तभी हम अपनी इस गरीब हालात को सुधार पाएंगे। इसलिए तुम लोग चिंता मत करो और अपने काम पर जाओ, यहाँ मैं और बहुएं मिलकर कोई दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतना कहकर शांति के बेटे वापस अपने मजदूरी के काम पर चले जाते हैं और वहीं शांति अपनी बहुओं को लेकर शहर की ओर काम ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है। काश यहाँ शहर में हम लोगों को कोई एक जैसा ही काम मिल जाए, इससे हम लोगों को अलग अलग जाकर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी। शांति और उसकी बहुएं ऐसी बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनसे कहता है, सुनो तुम सबको जैसे काम की तलाश है, मैं तुम सबको वैसा काम दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम किया करते थे आज से वो लोग काम पर नहीं आएंगे, और मेरी ड्राई क्लीन की बहुत बड़ी दुकान है तो मैं ग्राहकों के इतने सारे कपड़े अकेले तो नहीं धो पाऊंगा, तो अगर तुम चाहो तो तुम लोग मेरे यहाँ ये काम कर सकती हो। उस आदमी की बात सुनकर लाचार सास बहुएं तुरंत उस काम के लिए हाँ कर देती है। उस समय वो आदमी उन सास बहुओं को एक खाली ग्राउंड में रखे एक बड़े से टब के पास ले जाता है और कहता है, चलो अब तुम सब जल्दी से मिलकर ये सारे गंदे कपड़े को धो दो, उसके बाद फिर मैं और भी कपड़े ला कर देता हूँ। अरे ये पानी तो बहुत ठंडा है और ऊपर से ये ठंडी हवाएं। माँ जी आप ऐसा करिए, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। नहीं, सब अपना अपना काम करेंगे, यहाँ कोई बैठने नहीं आया है, वरना मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा। गरीबी से लाचार सास बहुएं ठंड की परवाह ना करते हुए कपड़े धोने शुरू कर देती हैं और शाम को काम खत्म होने के बाद अपनी मेहनत के पैसे लेकर वे लोग वापस अपने बस के घर में पहुंच जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ उसके तीनों बेटे भी काम से वापस आ जाते हैं। माँ क्या हुआ, आज आप लोगों को कोई काम मिला? हाँ बेटा, आज हम लोगों ने कुछ पैसे तो कमा लिए हैं। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, उन्हीं पैसों से कुछ राशन खरीद कर ले आए थे, इसलिए बहुएं मिलकर खाना बना रही है और कुछ चादर भी खरीद लाए। अरे वाह माँ, आप लोग तो घर से बाहर निकलते ही घर के आधी परेशानियों को ही दूर कर दिया। चलो अब जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ हाँ, ये लीजिए, आप सब बैठ जाइए और गर्मा गर्म खाने का मजा लीजिए। किसी ने सही कहा है कि अगर पूरा परिवार साथ मिलकर रहे तो मुश्किल से मुश्किल समय भी आसान लगने लगता है। हाँ बेटा, एकजुट रहने में ही तो परिवार की असली ताकत का पता चलता है। इतना कहकर पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगता है और ऐसी ही शांति का परिवार अपनी गरीबी में गुजारा करने लगता है। और ऐसी ही उन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं कि तभी एक दिन बस स्टैंड पर कुछ सरकारी अफसर आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे आप लोग यहाँ किससे पूछ कर रह रहे हो, ये कोई होटल नहीं है, इसलिए आप लोग जल्दी से ये जगह खाली करो। क्या हुआ साहब,
आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? अरे ये क्या तुम्हारे बाप की बस है जो तुम लोग यहाँ रह रहे हो? सुनिए साहब, हमें पता है यहाँ किसी के बिना इजाज़त के रहना सही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोगों के पास और कोई ठिकाना ही नहीं है, हम लोग इतनी ठंड में कहाँ जाएं? इतना कहकर बहुएं अपनी सारी कहानी उन सबको बताती है और कहती है, साहब अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएं? देखिए हम लोग आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन सरकार ने आप जैसे लोगों के लिए सरकारी घर बनवा रखे हैं, तो आप लोग चाहे तो उस योजना का आनंद ले सकते हैं। इसलिए हम तब तक के लिए आपको कुछ दिनों की मोहलत और दे देते हैं। उस अफसर की बात सुनकर शांति के परिवार को रोशनी की एक उम्मीद दिखाई देती है। और फिर क्या, शांति के बेटे तुरंत जाकर सरकार द्वारा चलाई गई योजना में हिस्सा लेते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उनको अपना खुद का एक पक्का मकान मिल जाता है। और फिर वो सब बस से निकलकर अपने असली घर में आ जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। गरीब की बेटी का जादुई टमाटर का गाउन। ये कहानी गरीब कौशल्या की बेटी सुमन की है, जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और इसी वजह से उसने कम उम्र में ही अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए सिलाई का काम करना शुरू कर दिया था। और उसकी माँ कौशल्या भी लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। और ऐसे ही दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत करके अपने दिन गुजार रही होती है। और ऐसे ही आज भी गरीब सुमन अपनी झोपड़ी में बैठे कपड़े सिल रही होती है, तभी उसकी माँ कौशल्या कहती है, अरे सुमन बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। रुके माँ, ये लीजिए मैंने इसमें थोड़ी सी चटनी और रोटी रख दी है, आप याद से खा लेना। ठीक है बेटी, तू भी याद से खाना खा लेना। इतना कहकर कौशल्या अपने काम पर चली जाती है और सुमन वापस से जाकर अपने सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद सुमन कहती है, हे भगवान, कपड़े सिलते सिलते इतना टाइम हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो अभी बाहर आंगन में लगे टमाटर के पौधों में पानी भी डालना है। वैसे भी माँ ने इतनी मेहनत से वो पौधे लगाए थे, लेकिन फिर भी उसमें अभी तक एक भी टमाटर नहीं निकला। पता नहीं हम गरीबों की मेहनत कभी सफल क्यों नहीं होती है। इतना कहकर सुमन सिलाई का काम छोड़कर बाहर लगे आंगन में टमाटर के पौधों में पानी डालने चली जाती है। तभी उसकी नज़र पौधों में लगे एक छोटे से टमाटर पर जाती है और वो कहती है, अरे वाह, कम से कम इस टमाटर के पौधों में एक छोटा सा टमाटर तो निकला। मुझे तो लगा हमारी इस बार की मेहनत भी खराब हो जाएगी। चलो इसे तोड़ लेती हूँ, आज इसकी चटनी बनाकर खाएंगे। इतना कहकर सुमन वो टमाटर तोड़कर घर ले आती है और उसकी अच्छे से चटनी बनाती है। और कुछ ही देर में शाम हो जाती है और उसकी माँ कौशल्या भी घर वापस आ जाती है। अरे माँ आप आ गई। हाँ बेटी। अच्छा माँ आप जल्दी से जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। और इस तरह दोनों गरीब माँ बेटी रूखा सूखा खाकर ही अपने दिन गुजार रही होती है। और अगले दिन फिर से सुमन अपने सिलाई के काम में लग जाती है और कुछ ही देर में वो कहती है, अरे नहीं, आज फिर से सिलाई करते करते शाम हो गई और मुझे तो खाना खाने का होश ही नहीं रहा। तभी तो मैं कहूँ कि मुझे इतनी तेज भूख क्यों लग रही है। ऐसा करती हूँ, पहले टमाटर के पौधों में पानी डाल देती हूँ, फिर आकर खाना खा लूंगी। इतना कहकर सुमन बाहर आंगन में जाकर टमाटर के पौधों में पानी डालने लगती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा भिखारी आकर कहता है, सुनो बेटी, मुझ बूढ़े भिखारी को कुछ खाने के लिए दे दो। बाबा आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमन अपने हिस्से का खाना लाकर उस बूढ़े भिखारी को दे देती है। और खाना खाने के बाद वो बूढ़ा भिखारी कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं बाबा, बस अब माँ बेटी रोज इन टमाटर के पौधों में पानी डालती हैं, लेकिन फिर भी इनमें टमाटर उगने का नाम ही नहीं लेती हैं। तुम परेशान मत हो बेटी, क्योंकि मेहनत करने वाले कभी असफल नहीं होते हैं। और देखना, एक दिन ये टमाटर के पौधे ही तुम्हें कामयाबी देंगे। इतना कहकर वो बूढ़ा भिखारी अपने थैली में से एक पाउडर निकालकर टमाटर के सभी पौधों के ऊपर छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है।
तभी शाम को जब कौशल्या घर आती है तो वो सुमन से कहती है, सुनो सुमन बेटी, कल रामकिशोर काका की बेटी की शादी है और उन्होंने हमें भी बुलाया है, इसलिए हमें शादी में जाना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या माँ? बेटी, शादी में हर कोई गाउन लहंगा पहन कर आएगा, लेकिन तेरे पास तो घर पर पहनने के लिए भी ढंग के कपड़े नहीं है, तो तू शादी में क्या पहन कर जाएगी? सोचा था आज मालकिन कुछ पैसे दे देंगी तो मैं तेरे लिए एक सुंदर सा गाउन खरीद कर ले आऊंगी, लेकिन आज उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब तू ऐसे ये फटा हुआ सूट पहनकर कैसे जाएगी शादी में? माँ, आप क्यों चिंता कर रही हो? आपको अपनी दर्जी बेटी पर भरोसा है ना? तो बस आप देखते रहिए, मैं शाम तक अपने लिए कितना सुंदर गाउन बनाकर तैयार कर लूंगी, आप बस यही रुकिए। इतना कहकर सुमन बाहर आंगन में लगे टमाटर के पौधों के पास जाती है, जहां सभी पौधों पर ढेर सारे टमाटर लगे हुए होते हैं। और ये देखकर सुमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सारे टमाटरों को तोड़कर घर में ले आती है। उसी समय उसकी माँ कहती है, अरे बेटी, क्या तू ये सारे टमाटर बाजार में बेचने जा रही है? नहीं माँ, आप बस देखते रहिए, मैं क्या करती हूँ इन टमाटरों का। इतना कहकर सुमन बचे हुए कतरनों को जोड़ जोड़ कर एक सुंदर सा गाउन तैयार करती है और फिर अपनी माँ से कहती है, माँ अब बस आप एक एक करके मुझे ये टमाटर पकड़ाती जाइए। और इस तरह कौशल्या एक एक करके सुमन को टमाटर पकड़ाती रहती है और सुमन बड़े ही प्यार से टमाटर का गुच्छा बनाकर उस गाउन के ऊपर लगाती रहती है। और कुछ ही देर में सुमन का टमाटर का गाउन बनकर तैयार हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और ये देखकर उसकी माँ कहती है, अरे वाह सुमन बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतना सुंदर टमाटर का गाउन, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। और ऐसे ही अगले दिन शाम को सुमन वही टमाटर का गाउन पहनकर शादी में जाती है और वहाँ हर किसी की नजर बस सुमन के गाउन पर ही होती है और हर कोई सुमन के गाउन की ही तारीफ कर रहा होता है। अरे वाह सुमन बेटी, तुम्हारा गाउन तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, कहाँ से खरीदा ऐसा अनोखा गाउन? अरे नहीं नहीं चाची जी, ये गाउन तो मैंने खुद बनाया है अपने आंगन में लगे टमाटरों की मदद से। क्या सच में? तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो। और इसी तरह दोनों माँ बेटी कुछ ही देर में घर वापस आ जाती है और सुमन अपना गाउन उतार कर साइड में रख देती है। और तभी आधी रात में अचानक से उस गाउन में एक जोरदार रोशनी निकलती है और उस रोशनी की वजह से सुमन की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है, मैंने तो लालटेन बुझा दी थी ना। उसी समय सुमन देखती है कि उसके गाउन में लगे सभी टमाटर सोने की तरह चमक रहे होते हैं और ये देखकर सुमन हैरान हो जाती है और वो फटाफट से अपनी माँ को उठाती है। सुनिए माँ, जल्दी उठिए, ये देखिए। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो? माँ ये देखिए, मेरे गाउन में लगे सभी टमाटर सोने के हो गए हैं। उसी समय सुमन एक टमाटर निकालकर उसे दीवार पर घिसकर देखती है, तभी उसकी माँ कहती है, अरे सुमन बेटी, ये टमाटर तो सच में सोने के हो गए हैं। उसी समय गाउन में लगे टमाटरों में से एक आवाज आती है, सुमन भले ही तुम गरीब हो लेकिन तुम फिर भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती हो, इसलिए हम सभी जादुई टमाटर भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब तुम इस गाउन में से टमाटरों को तोड़कर अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से जी सकोगी और अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकोगी। इतना सुनकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस जादुई टमाटर के गाउन में से एक टमाटर तोड़ लेती है, जिसके बदले वहाँ पर अपने आप एक दूसरा टमाटर आ जाता है। और ऐसे ही अगले दिन सुमन उस टमाटर को सुनार के पास बेचकर ढेर सारे पैसे ले आती है और अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने लगती है। और ऐसे ही देखते देखते सुमन अपनी छोटी सी झोपड़ी को एक बड़े से मकान में बदल देती है और वक्त के साथ साथ सुमन और उसकी माँ की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल जाती है और वो जादुई टमाटर के गाउन की मदद से अपना एक बड़ा सा बुटीक खोलकर अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।